गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे थे दिस मलेरिया का, हम कंटिन्यू कर रहे थे। वी वर डूइंग नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम। सो हम शुरू कर रहे थे सर्वेलेंस पे। तो सर्वेलेंस की पहले तो डेफिनेशन दे रखी है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्क्रूटिनिटी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड ऑल द केसेस, ठीक है, एंड उनके जितने भी आसपास के लोग हैं उनको सर्वेल करना होता है कि उनको तो कोई डिजीज़ नहीं हो गया है, सो दैट वी कैन कंट्रोल इट स्प्रेड। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो इट इज सिस्टमिक कलेक्शन इवैल्यूएशन ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन। फील्ड इन्वेस्टिगेशन मीन्स घर घर जाके देखना, एंड इन दिस वी एक्चुअली इंस्पेक्ट योर हेल्दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो वी हैव दिस पैरामीटर्स, वी हैव एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जिस पर आपने अपने PHCs एंड योर स्टेट्स को डिवाइड किया था। Then we have annual blood examination rate, that should be your 10%. Then we have annual falciparum index, because falciparum is a very dangerous malaria. Slight positivity rate and slight falciparum rate. Okay, then we have sentinel surveillance. इसमें क्या होता है कि generally जितने भी hospitals होते हैं, मे बी private, मे बी public, तो उसमें क्या होता है, we actually do not report malaria cases. ठीक है, मतलब हम पता तो है कि हमें इस इंसान को मलेरिया है, वी नो वी हैव दैट इन रिकॉर्ड्स, बट वी डोंट एक्चुअली मेनी अ टाइम्स रिपोर्टेड टू द नेशनल डेटा बेस। सो दैट इज़ अ वीक पार्ट इन द सर्वेलेंस, ठीक है। सो इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग द मलेरिया, सीवियर मलेरिया और अ डेथ ड्यू टू मलेरिया, दैट हैज़ टू बी सेंड टू योर नेशनल डेटा बेस। तो इसमें क्या होता है कि वी हैव अ सेंटिनल सर्वेलेंस एंड वी एक्चुअली सिलेक्ट अ सैम्पल, क्योंकि हम हर पॉपुलेशन में हर केस को नहीं कर पाते कभी कभार रजिस्टर। सो व्हाट वी विल डू कि हम क्या करेंगे, एक स्टेट में ईच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, विल सेलेक्ट ईच डिस्ट्रिक्ट, इट कैन बी अ रैंडम एलोकेशन और ड्यू टू योर हाई एंडेमिसिटी, ठीक है। देन इसमें हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 सेंटिनल साइट्स इस्टेब्लिश करेंगे लार्ज हॉस्पिटल्स दैट विल रिकॉर्ड ऑल द OPDs, ऑल द वार्ड पेशेंट्स एंड मलेरियल डेथ, ठीक है। देन वी हैव केस मैनेजमेंट, सो वी डो नॉट हैव एनी प्रिजम्प्टिव ट्रीटमेंट अनलेस एंड अनटिल वी डो नॉट हैव अ पर्टिकुलर एंड अ कम्प्लीट डायग्नोसिस कि हाँ इस इंसान को मलेरिया है। देन वी हैव फर्दर न्यू ड्रग गाइडलाइंस, जो आप पुराने चैप्टर एपिडेमोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़ सकते हैं। देन वी हैव IVM, ठीक है। सो हम IVM में क्या करते हैं, वी हैव बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस यूज कर सकते हैं, एंड दे शुड बी अ प्रूवन एफिकेसी, दे कैन बी यूज अलोन और सेपरेटली, सो दैट वी हैव ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं हमारा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, वी हैव अ पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज एंड वी नीड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इफ़ कम्युनिटी डज नॉट एक्सेप्ट दिस इंटरवेंशन, देन हम कितना भी कर ले दे वोंट यूज़ दैम, ठीक है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेक्टर कंट्रोल्स दैट आर सफिशेंट इन दैट एरिया। तो रूरल एरियाज में वी हैव लीशमेनियासिस एंड वी हैव मलेरिया, ठीक है। अर्बन एरिया में हमें ज़्यादा क्या मिलता है, मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इन दो को क्लब कर सकते हैं। अगर रूरल एरिया में भी नो कि मलेरिया लीशमेनियासिस देयर आर ड्यू टू योर फ्लाइज, सॉरी मॉस्कीटोज, सो वी कैन क्लब देम, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर डूइंग द सोर्स रिडक्शन दैट विल इटसेल्फ रिमूव द वेक्टर्स फॉर मलेरिया एंड लीशमेनिया। इफ यू आर डूइंग इंडोर रेजिडुअल स्प्रिंग इन रूरल एरिया, सो वो दोनों मॉस्कीटोज को मार देगा। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज वी कैन हैव मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली सेफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड सो दैट इट डज नॉट हार्म द ह्यूमन बींग एंड वी आर मॉनिटरिंग फॉर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे हमने पढ़ा था कि मलेरिया इंडिया में वापस क्यों आए, बिकॉज द मस्कीटो बिकेम रेजिस्टेंट टू योर DDT। सो हमारा जो DDT जो मेन स्टे था उससे तो वो रेजिस्टेंट हो गया, इस वजह से मलेरिया वापस आने लग गया। सो वी हैव मेजर्स, वी हैव IRS। IRS क्या है, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, दिस इज़ फॉर योर अडल्ट मॉस्कीटो कंट्रोल एंड दिस इज़ इन योर अर्बन रूरल एरियाज में हम यूज़ करते हैं। देन वी हैव एंटी लार्वल मेजर्स, दिस कैन बी केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। देन वी हैव पर्सनल प्रोटेक्शन लाइक यूज ऑफ बेड नेट्स इंक्लूडिंग योर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, ठीक है। सो IRS जो स्प्रेइंग है दैट इज़ इन योर रूरल एरियाज, एंड जो एंटी लार्वल मेजर्स पड़े ना हमने केमिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, वो हम अर्बन एरियाज में करते हैं क्योंकि अर्बन एरियाज में प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन द प्रोग्राम एंड इन विसेज अ स्केल इन देयर यूज एज वेक्टर कंट्रोल ऑप्शन फॉर फुल पॉपुलेशन कवरेज विच विल रिप्लेस IRS। अब देखो क्या है कि अब इंसेक्टिसाइड से एक तो रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, इट कैन समटाइम्स हार्म योर ह्यूमन पॉपुलेशन,
ठीक है, सो वी हैव टू रिप्लेस IRS इज दो इकोनॉमिकल्स, केमिकल्स छिड़क दो, बट मोर यूजफुल इज योर नेट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू द ह्यूमन देमसेल्व्स, एंड इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगी मॉस्किटो में, बिकॉज दिस इज अ मैकेनिकल फैक्टर. सो वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस IRS, जहाँ पे सिर्फ IRS चल रहा है वहाँ पे हम बेड नेट्स यूज़ करें, ठीक है, एंड ऐसा कुछ नहीं है, दीज बेड नेट्स आर अगेन ट्रीटेड विद द इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है. देन वी हैव ऑपरेशनल फैक्टर्स, ठीक है, सो जो ये मेथड है IRS, इट इज़ अलोन इट्सेल्फ इनसफिशिएंट, सो वी आर यूजिंग बेड नेट्स. द विलेज इज़ अ यूनिट ऑफ अ इंटरवेंशन, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जितना छोटे से छोटे लेवल पे सर्विस है वो दे सके, क्योंकि जितने आप छोटे लेवल पे दोगे उतना ही ज़्यादा लोग इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है. बट इन सम डिस्ट्रिक्ट डेटा अवेलेबल विद नॉलेज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशंस में टेक इट मोर रैशनल टू क्लासिफाई एज एज अ सब सेंटर, ठीक है. सो विलेज में भी वी आर मे बी फोकस ऑन सब सेंटर एज अ हाई रिस्क एरिया, ठीक है. सो हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, वी कैन इंटरवीन अस विलेज, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में वी कैन फोकस ऑन अ विलेज, बट इन अ विलेज ऑल्सो वी कैन फोकस इन अ पर्टिकुलर सब सेंटर जो एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है. हाई रिस्क एरिया एंड पॉपुलेशन विल बी रीडिफाइंड एट लीस्ट एनुअली, तो हमें असेस करना है कि रिस्क चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है एनुअली बेसिस पे. सच विलेजेस दे विल बी गिवन इंडोर रेजिडुअल स्प्रे एंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है, ट्रीटेड बेड नेट्स, एंड इट शुड बी 80%, मतलब 80% घरों में ये सब होना चाहिए, एंड अदर इंटरवेंशन दैट आर नीडेड, ठीक है. देन पॉपुलेशन लिविंग इन एरिया जहाँ पे API मोर देन 5, मतलब बहुत ही हाई रिस्क एरिया है, तो हमें वहाँ पे लेना है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स, यानी कि LLIN, एंड पॉपुलेशन जो मोर देन 2, मतलब 2 से 5 के बीच में है, वहाँ हम कन्वेंशनल नेट्स यूज़ कर सकते हैं विद योर IRS, ठीक है, अलॉन्ग. तो जहाँ पे ज़्यादा एंडेमिसिटी है वहाँ पे हम बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे, जहाँ 2 से ज़्यादा है पर 5 से कम है, देन वी कैन यूज़ अ कन्वेंशनल नेट्स, ठीक है, एंड वी कैन यूज़ योर IRS, ठीक है. देन IRS इज स्टिल प्रेफर्ड मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल इन एरियाज इन वेरी हॉट समर्स, ठीक है, जहाँ पे ITNs यूज़ नहीं कर पाती है, पॉपुलेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है. DDT इज़ द चॉइस, पर इसके अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस हो जाती है देन वी हैव टू यूज़ मैलाथायोन एंड सिंथेटिक पैराथायरॉइड्स, ठीक है. तो DDT के 2 rounds होता है स्प्रेइंग के, ठीक है, एंड पैराथायरॉइड उसके साथ एक्स्ट्रा मोर प्रोटेक्शन देती है थ्रू आउट द इंटायर ट्रांसमिशन सीजन, दैट इज योर मॉनसून, ठीक है. और अगर हम मैलाथायोन दे रहे हैं तो हमें 3 rounds ऑफ स्प्रेइंग चाहिए. सो वी आर यूजिंग DDT एंड पैराथायरॉइड 2 rounds, इफ़ यू आर यूजिंग DDT एंड मैलाथायोन 3 rounds, ठीक है, एंड अगेन इट शुड बी 60% कवरेज होनी चाहिए इसका, ठीक है. द रियल कवरेज बाय IRS इज हाउएवर लिमिटेड बाय लो कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि कम्युनिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है इसको. फर्स्ट तो क्या है कि वाइट मार्क्स विल बी लेफ्ट ऑन प्लास्टर्ड सर्फेस, अगर आप कोई केमिकल छिड़कते हो तो उसके मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है, एंड स्मॉल स्मेल एसोसिएटेड विद मैलाथायोन, ठीक है, एंड रीप्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ IRS, ताकि वो ह्यूमंस को अफेक्ट ना करें, सो वी हैव टू रीप्लास्टर द वॉल, ठीक है. देन वी हैव मलेरिया पैराडाइम एंड इकोटाइप्स, दिस इज अ कंसिडरेबल हेट्रोजेनिसिटी इन मलेरिया ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो क्या होते हैं, विद इन अ स्टेट कहीं पे हो सकते हैं कि वहाँ पे वेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे हो सकता है कि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है मॉस्किटो से, ठीक है, कहीं पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंसेक्टिसाइड से. सो ट्रांसमिशन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन मॉस्किटो, मतलब जो उसका ब्रीडिंग टाइम है, ब्रीडिंग प्लेस है, उस पर डिपेंड करता है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी पे करता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा है, डायग्नोसिस कैसा है, तो इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स एंड विद इन द स्टेट्स इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है. सो मलेरिया में जो इंडिया है, मलेरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, ट्राइबल एरियाज़ में, तो हम ट्राइबल एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और ट्राइबल एरियाज़ में मोर देन 5 है, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. क्यों, क्योंकि एक तो वहाँ पे लार्ज एरिया है और वो इनएक्सेसिबल टेरेंस में, अगर कहीं फॉरेस्ट में है, कहीं पहाड़ों में, तो वहाँ पर हम अपनी सर्विसेज नहीं पहुँचा पाते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है, हिली एरियाज है, रिवर बेड कंडीशंस, मतलब नदी के आसपास है, जैसे टापू वगैरह हो गए, एंड देयर हाईली कैरेक्टराइज बाय हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, जो हमारे ट्राइब्स वगैरह होते हैं दे आर मोबाइल, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, एंड समटाइम्स ऑल्सो दे कैन चेंज देयर प्लेसेस,
ठीक है। देन यहाँ पे पॉवर्टी है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे एडुकेशन नहीं है, इनएडिक्वेट क्लोथिंग है, क्लोथिंग नहीं है, इस वजह से मॉस्किटो बाइट से ज़्यादा प्रोन है, आउटडोर स्लीपिंग हैबिट्स, ठीक है, भारी सो जाते हैं, ज़मीन पे सो जाते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो मच्छर होंगे ही वहाँ, प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट वेक्टर्स, ठीक है, वहाँ पे वेक्टर्स के लिए अच्छी ब्रीडिंग प्लेसेस है, अच्छे वेक्टर्स है, इंसेक्टिसाइड्स के साथ रेजिस्टेंस भी हमने देखी है, ट्रिपल इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, ट्रिपल में कौन सा है, मेलाथियन पैराथायरॉइड एंड योर DDT, ठीक है, एंड इन न्यूमरस ब्रीडिंग साइट्स एड टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है, मोर ओवर यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, सो वी कैन नॉट प्रिवेंट इट, वी कैन नॉट ट्रीट इट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी इज आर मलेरिया, एंड यहाँ पे भी प्रीडोमिनेंटली सबसे खतरनाक वाला पी फैल्सी पैरामिस मोर, ठीक है, सो इट कैन कॉज मोर सीवियर एंड लीड टू मॉर्टैलिटी अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले, सो वी लॉन्च्ड आर ट्राइबल मलेरिया एक्शन प्लान फॉर कैटेगरी 2 and 3 स्टेट्स, ठीक है, इसमें यही था कि वी हैव टू स्ट्रेंथन आर सर्वेलेंस, वी कैन इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड सर्वेलेंस, वही है कि घर घर जाके यू कैन टेक द सैम्पल्स एंड उसी समय यू कैन हैव माइक्रोस्कोपी विद यू एंड यू कैन सी कि हाँ इनको मलेरिया एंड यू कैन इमिडिएटली स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, ठीक है, वी हैव हैमलेट वाइज आशा, ठीक है, सो इट इज़ मोर ऑफ अ कि ज़्यादा अच्छा करने के लिए, सो नॉट इवन विलेज वाइज, इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ सब सेंटर वाइज वी हैव आशाज, ठीक है, सो वी हैव मोर आशाज टू कवर अ लार्ज पॉपुलेशन वेर एवर एंगेजमेंट ऑफ आशा इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी कैन वॉट वी डू, जो लोकल पॉपुलेशन है लाइक योर फेथ हीलर्स, ठीक है, या फिर योर लोकल मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, विलेज हेल्थ मैन, स्कूल मास्टर, इन सबको वी कैन गिव द ट्रेनिंग, ठीक है, एंड गिव द लॉजिस्टिक्स जो भी हमारे RDTs एंड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और अगर ये भी नहीं है सो वी कैन यूज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे सिविक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जहाँ पे मतलब जैसे आपके नक्सली एरियाज हो गए, ठीक है, सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड एंड प्री शेड्यूल्ड मोबाइल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, जिसमें क्या हो कि लोगों को पता हो कि हाँ आज कैंप है, सो दिल बी रेडी, ठीक है, आपने पहले से डिटरमाइन कर रखा कि आज कुछ हंगामा वंगामा नहीं हो रहा, सो वी कैन गो देयर, वी कैन ऑल्सो यूज़ NGOs, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पाते तो वहाँ पे कुछ NGOs वर्क करते हैं, सो दे कैन प्रोवाइड द सेम थिंग इफ़ यू फंड देम, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ PHC विद क्वालिटी माइक्रोस्कोपी एंड फैसिलिटीज़, ट्राइबल एरियाज़ में वैसे ही PHCs की कमी होती है, प्रोविजन ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बाय कॉन्ट्रैक्टर और ओनर्स, क्या होते हैं, बिकॉज दीज आर ट्राइबल एरियाज़, दे आर मोर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर्स बिकॉज डोंट हैव एडुकेशन, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फिर ओनर्स होते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के इन ट्राइबल एरियाज, दे आर टू मेक श्योर जितने भी लेबर्स हैं ऑन साइट, दे हैव टू डिटेक्ट देम कि उनको मलेरिया तो नहीं, अगर फीवर दे कैन रिपोर्ट देम, ठीक है, ऑन द स्पॉट वी कैन गिव स्पीशीज स्पेसिफिक रेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा है या फिर बहुत ही सीरियस केस है, देन यू हैव टू रेफर हिम एज सून एज पॉसिबल एंड वी हैव फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ओके, एक बार पेशेंट हो गया, ठीक, सो वी कैन यूज़ फॉलो अप, अगर किसी का भी एडवर्स रिएक्शन हो गया देन वी हैव टू रेफर हिम टू द डॉक्टर, ठीक है, देन वील एपिडेमोलॉजिकली ट्रैक ऑल द फॉलो अप केसेस, ठीक है, वी हैव टू मास्क स्क्रीन योर माइग्रेंस वेन एवर नेसेसरी, क्योंकि माइग्रेंस क्या होता है, कभी कभार दे कैन कम फ्रॉम हाई रिस्क एरिया, तो वो क्या कहते हैं, फैला सकते हैं उस जगह में, अगर होगा भी नहीं वहाँ मिले तो वो फैल जाएगा, ठीक है, IVM, ठीक है, एंड इसमें भी हम क्या करते हैं, विलेजेस को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट वे वी गिव देम, अगर बहुत ही ज़्यादा हाई एंडेमिसिटी है देन वी यूज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स, अगर कम है देन वी कैन यूज़ अ कन्वेंशनल एंड IRS, ठीक है, देन वी कैन यूज़ सोशल मार्केटिंग, ठीक है, कि लोग ज़्यादा यूज़ करें बेड नेट्स, उनको खरीदें, ठीक है, वी कैन हैव माइनर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या करें, जितने भी गड्ढे वगैरह वो सारे फिल हो जाए, ठीक है, कोई भी ऐसी एक जगह ना रहो, एंड दिस कैन बी थ्रू योर सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी इन योर विलेज, रेगुलर एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जितने भी लॉजिस्टिक्स है, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो मिलती रहे, ठीक है, इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ योर आशा वर्कर्स, कम्युनिटी वॉलंटियर स्टाफ, ठीक है, एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब है वी कैन गिव देम इंफॉर्मेशन, एडुकेशन एंड कम्युनिकेशन अबाउट द डिजीज एंड वी कैन ब्रिंग इन देम द डिजायर्ड बिहेवियरल चेंज वी वॉन्ट, ठीक है, सो कम्युनिटी एक तो खुद जाके रिपोर्ट करे दैट वी हैव फीवर, वी हैव दिस, इफ दे रियलाइज कि उनके पास ये साइंस आ रहे देन दे शुड गो देयर, ठीक है, सो हम पढ़ेंगे अभी BCC में होता क्या है, सो BCC इज इट इज अ सिस्टमिक प्रोसेस टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है, टू चेंज देयर इनअप्रोप्रिएट या अनहेल्दी बिहेवियर, एक तो उसको चेंज करें एंड मेंटेन इट,
ठीक है, इट इज़ अ की स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ सपोर्टिव स्ट्रैटेजी। तो पहला क्या होता है दैट दे शुड रिकॉग्नाइज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, उसके लिए हमें कहिए एडुकेट करना पड़ेगा उन लोगों को। फिर दूसरा है कि अगर उनको पता चलता है दे हैव साइंस एंड सिम्टम्स, दे कैन गो फॉर योर ट्रीटमेंट टू द अप्रोप्रिएट प्रोवाइडर, ऐसा नहीं है कोई बाबा के पास चले गए। ठीक है, वंस दे हैव बीन डायग्नोज, दे हैव बीन गिवन द ट्रीटमेंट, दे हैव टू कम्प्लीट द ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे बिकम रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट या फिर उन्हें छोड़ दिया बीच में। ठीक है, देन डी, डी इज जो हाई रिस्क हमारी पॉपुलेशन होती है या फिर जो रिस्क ग्रुप्स होते हैं लाइक चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट वीमेन, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इनमें मॉर्टेलिटी रेट हाई रहती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं। एंड देन ई इज़ यूज़ ऑफ ITN LLIN, ठीक है, योर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। एफ ए टू एक्सेप्ट IRS, हमने देखा ना IRS नहीं करते एक्सेप्ट, सो वी शुड इंश्योर कि वो एक्सेप्ट करें बिकॉज उनकी भलाई के लिए। देन वी हैव एंटी मलेरियन कैंपेन, दिस इज़ इन जून एवरी मंथ एंड इट इज़ जस्ट बिफोर द मानसून। ठीक है, सो दैट अब क्या होगा जो वेक्टर्स है तो पीपल ऑलरेडी यू नो एडुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो कि हाँ अब हमें ऐसे ऐसे प्रिपेयर्ड रहना है। सो दिस इज़ योर अवेयरनेस एंड इंकरेजिंग द कम्युनिटी थ्रू योर मास मीडिया कैंपेन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक तो मास मीडिया कैंपेन तो हो ही गया कि एक ही बार में सबको हमने बता दिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेटिव, जिसमें आप पर्सनल काउंसलिंग करते हैं या फिर लोग अपने में ही बात करके ये चीज़ें फैलाते रहते हैं। टू कंसोलिडेट इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे आपके इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, जैसे आपके ये जो लॉजिस्टिक्स बन रहे हैं, जो ये RDTs बन रही है, ये वाला सेक्टर हो गया, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट एंड वॉलंटरी एजेंसी एट स्टेट, नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, देन वी हैव इंटरेक्शन ऑफ मलेरिया कंट्रोल विद अदर हेल्थ एजेंसीज, ठीक है, अदर हेल्थ प्रोग्राम, सॉरी। सो वी हैव इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, तो इसमें वीकली अलर्ट्स होते हैं अगर किसी भी हाई एंडेमिक एरिया में अगर किसी को भी फीवर है और उनको अर्ली वार्निंग लग रहे हैं मलेरिया आउटब्रेक के, मतलब किसी को भी अगर फीवर होता है सो इट इज़ अ वार्निंग के आउटब्रेक्स हो सकते हैं। सो वी हैव इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे हमने कहा ना अर्बन एरियाज़ में डेंगू मलेरिया कितना कॉमन होता है, ठीक है, झारखंड में मलेरिया काला आजार कॉमन होता है साथ में, ठीक है, ओडिशा में मलेरिया फिलेरिया ऐसे कॉमन होता है, तो वी कैन इंटीग्रेट देम कि एक से तो प्रोटेक्शन मिले दूसरे भी साथ साथ मिल जाए। देन वी हैव RCH, RCH में क्या होता है जननी सुरक्षा योजना के तहत जितने भी प्रेग्नेंट वेमेन हैं उनको LLIN लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स मिलते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो दे कैन गिव बेड नेट्स, ठीक है, सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड। एंड जो हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ चाइल्डहुड इलनेसेस में भी हम मलेरिया के लिए केस मैनेजमेंट के लिए हम गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, द मेजर एक्सटर्नली सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वी हैव ग्लोबल फंड्स, ठीक है, दैट आर सपोर्टिंग आर इंटेंसिफाइड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट या फिर IMCP, ठीक है, एंड देन वी हैव स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट IAVM एंड प्रमोशन ऑफ योर LLIN। एडिशनल सपोर्ट में हमें क्या मिलता है, ठीक है, एक तो हमें फंड्स मिल रहे हैं, दूसरा हमें क्या मिल रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जितना भी आपका स्टाफ है, देन कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, थर्ड इज योर कमोडिटीज, हम आगे पढ़ेंगे कि जो WHO फ्री में दवाइयाँ देता है, दिस योर ACT आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी LLIN, ठीक है, योर RDT, ठीक है, इस सब के लिए यू गेट प्रोविजंस। एंड फिर प्लानिंग में भी हेल्प करता है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग मोबिलिटी सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड ऑपरेशनल रिसर्च इंक्लूडिंग योर ड्रग रेजिस्टेंस एंड एंटोमोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिर वर्ल्ड बैंक भी हमें सपोर्ट करती है फॉर मलेरिया एंड काला आजार एलिमिनेशन, फिर हम काला आजार में फिर से सेम पढ़ेंगे, ठीक है। देन दिस इज़ योर की इंडिकेटर इन मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है, सो इम्पैक्ट कैसे देखते हैं, मतलब तो हम देखते हैं कि कितने लोगों को कन्फर्म्ड मलेरिया केसेस है अकॉर्डिंग टू देयर एज सेक्स पैरासाइट कौन सी स्पीशीज़ है एंड ऑल। फिर हम देखते हैं कितने लोगों को उसमें भी सीवियर मलेरिया है, कितनी केस फैटालिटी रेट है, मतलब कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं मलेरिया कितने प्रेग्नेंट वेमेन में हुआ है, ठीक है, और कौन सा टाइप ऑफ मलेरिया हुआ है इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। देन वी ऑल्सो सी कि कितने नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरीज या फिर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ एलिमिनेट हो चुका है मलेरिया और उसको हम प्रिवेंट करते हैं रीएस्टैब्लिश होने से बाय योर लोकल ट्रीटमेंट, मतलब बाय लोकल ट्रांसमिशन से हम उसको री एंटर नहीं करने देते उस पॉपुलेशन में, ठीक है। और फिर हम आते हैं मतलब वही कैटेगराइजेशन कर देते हैं हम स्टेट्स की, कहाँ एलिमिनेट हो गया है, कहाँ भी एलिमिनेशन फेज में, कौन सा प्री एलिमिनेशन फेज में, कौन सा इंटेंसिफाइड फेज में, ठीक है।
आउटकम कैसे हम देखते हैं कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं LLN, और हमें कैसे देखते हैं प्रीवियस नाइट आपने यूज़ किया क्या, फिर हम देखते हैं कि कितने लोगों के घर में IRS हो रखा है पिछले एक साल में, ठीक है। फिर हमारा दूसरा आउटकम क्या होता है कि कितने लोगों ने एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ली है, कंप्लीट की है। देन हम वही है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एरियाज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन, प्री एलिमिनेशन, ठीक है। एंड फिर वही मंथली रिपोर्ट्स होती है हमारी ऑन नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। देन वी हैव एलिमिनेशन ऑफ लिम्फैटिक फिलेरियासिस, ठीक है। सो यस, सो इट वॉज कम इन 1955, तो ये अलग अलग टाइम पे आए थे, बट 2003 में दे वर इंटीग्रेटेड अंडर योर नेशनल वेक्टरबॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम टू स्टॉप द डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज, ठीक है। सो ये नेशनल फिलेरियल प्रोग्राम इट वॉज सबमर्ज विद योर मतलब मर्ज्ड विद योर अर्बन मलेरियल स्कीम इन 1978 फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे देखते हैं, दिस डज नॉट हैव योर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑल दैट स्टफ, इट इज़ ओनली ऑट योर नेशनल लेवल, दैट इज़ योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली, ठीक है। उसके अलावा वी हैव रीजनल फिलेरिया ट्रेनिंग सेंटर्स इन कालीकट, राजा हमुंदरी, वाराणसी एंड एक दिल्ली में जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। फिलेरिया कंट्रोल स्ट्रैटेजी में हम क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर कंट्रोल थ्रू एंटी लार्वल ऑपरेशंस, ठीक है। सोर्स रिडक्शन, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रो फिलेरियल कैरियर्स, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड IEC, तो ये सेम टू सेम आपका मलेरिया से रिलेटेड है फिलेरियासिस, ठीक है। सो इसमें क्या है कि वी हैव आर कंट्रोल यूनिट्स एंड वी हैव आर क्लिनिक्स, ठीक है, एंड वी हैव आर सर्वे यूनिट्स। सो कंट्रोल यूनिट, क्लिनिक्स एंड सर्वे यूनिट्स इन एंडेमिक अर्बन एरियाज, ठीक है। बाकी रूरल एरियाज में वी हैव PHCs, ठीक है। सो अर्बन एरियाज में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके लिए हमारे पास स्पेशल यूनिट्स हो गए। देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट लिम्फैटिक फिलेरियासिस बाय 2015। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया है एलिमिनेशन को, लिम्फैटिक फिलेरियासिस इट सीजेस टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जब माइक्रो फिलेरिया कैरियर इज लेस देन 1%, ठीक है। एंड चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर दिस एलिमिनेशन डू नॉट हैव एंटीजीनीमिया, एंटीजीनीमिया मतलब कि दे डू नॉट हैव अडल्ट फिलेरियल वर्म इन देयर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो एंटीजन नहीं है, जो बच्चे इस एलिमिनेशन के बाद बॉर्न होंगे, ठीक है। सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज हम ये देखेंगे कि मतलब बहुत ही जो छोटे बच्चे उनमें एंटीजेंस तो नहीं है इसके लिए। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, सारे लोगों को पकड़ पकड़ के हम दे देंगे योर DEC, ठीक है, डाइथाइल कार्बामाइजाइड। पर इसमें हम किसी को इंक्लूड नहीं करते, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स और एनी सीरियसली इल पर्सन, ठीक है। सो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब देखो अगर किसी को हो जाता है ना फिलेरियासिस, तो वी कैन गो विद होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लिम्फेडिमा, ठीक है। अगर होम बेस्ड मैनेजमेंट नहीं है, देन वी कैन गो फॉर योर हाइड्रोसील ऑपरेशन इन योर CHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ भी सुविधाएं हैं, ठीक है। सो हम MDA की बात कर रहे थे, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल डोज देते हैं DEC, डाइथाइल कार्बामाइजाइड, ठीक है। होम बेस्ड फुट केयर भी दे सकते हैं उसके साथ, हाइड्रोसील ऑपरेशन, तो ये तीन चीज़ें करते हैं। और नई प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम DEC एंड एल्बेंडाजोल दोनों साथ में दे देते हैं, ठीक है। सो दिस जो हमने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। मतलब हमने क्या किया, जब हमने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया उसके हमने बाद फर्स्ट ट्रांसमिशन असेसमेंट किया, तो बहुत ही सक्सेसफुल था, ठीक है। तो हमने देखा कि मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में अब क्या है कि ट्रांसमिशन रुक चुका है। सो वी स्टॉप मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमने मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अचीव कर लिया था, तो ये बड़ी बात थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जितने भी लोगों को है, ठीक है, उनकी लाइन लिस्टिंग की, ठीक है। फिर देखा कि किनको लिम्फेडीमा है, ठीक है, तो उनका होम बेस्ड ट्रीटमेंट कर दिया। अगर किसी को हाइड्रोसील था, वी गिव देम सर्जरी, एंड दिस वॉज थ्रू योर डोर टू डोर सर्वे इन फिलेरिया एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इनिशिएशन हैज़ ऑल्सो बीन टेकन टू डेमोन्स्ट्रेट सिंपल वॉशिंग ऑफ फुट टू मेनटेन हाइजीन, ठीक है। सो फीट वॉशिंग करनी, अगर आप नंगे पैर चलते हैं, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक लिम्फेडिमा केसेस, ठीक है। सो ये हो गया, एंड सो दैट द पेशेंट गेट रिलीफ फ्रॉम फ्रीक्वेंट एक्यूट अटैक्स, ठीक है।
सो अगर आप फीट में हैं और आपने उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं एंड यू कैन गेट फ्रीक्वेंट अटैक्स. सो वी प्रिवेंटेड दैट. ठीक है, देन वी हैव माइक्रोफिलेरिया सर्वे इन ऑल इम्प्लीमेंटेशन यूनिट. इट इज़ डन थ्रू योर नाइट ब्लड सर्वे. नाइट ब्लड सर्वे क्यों करते हैं? बिकॉज जो माइक्रोफिलेरिया है वो ब्लड में कब आता है? नाइट में ही तो आता है जो फीमेल वर्म होती है ना, एंड देन शी लेज द एग एंड देन फिर वो अंदर चली जाती है मतलब इन द लिम्फैटिक्स. ठीक है, एंड इट इज़ डन बिफोर MDA. अगर MDA के बाद करते हैं तब तो मर चुके होंगे ना, तो इतना अच्छा मतलब वो नहीं आएगा रिपोर्ट में, हमें पता नहीं चलेगा कि पहले कितना प्रेवलेंस था मतलब कितना था. एंड सर्वे इट इज़ डन इन 4 सेंटिनल जहाँ हमने इस्टेब्लिश किया एंड 4 रैंडम साइट्स. सो टोटल में वी हैव टू कलेक्ट 4,000 स्लाइड्स. देर इज़ अ डेफिनेट एविडेंस कि हमारा माइक्रोफिलेरिया रिड्यूस हो जाता है इन MDA डिस्ट्रिक्ट. However, the coverage population of MDA should be 80% for 5 to 6 years. ठीक है, तो एक एरिया में एटलीस्ट 80% लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए फॉर कॉन्टीन्यूस 5 to 6 years. दैट विल डिक्रीज द लोड. ठीक है, एंड देयर बाय इंटरप्ट योर ट्रांसमिशन. देन वी हैव काला आजार. ठीक है, तो काला आजार कहाँ कॉमन है? या बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. ठीक है, इट वॉज लॉन्च इन 1990 to 1991. ठीक है, सो इसमें हमारी स्ट्रैटेजीज हम एलिमिनेशन के लिए जा रहे थे. सो फर्स्ट क्या था कि इनहैंस केस डिटेक्शन. ठीक है, एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ योर RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स. ठीक है, एंड ओरल ड्रग मिल्टेफोसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर काला आजार. ठीक है, फिर ये तो हो गया ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस. इसके लिए हमने किट भी देख ली कौन सी है और ड्रग भी देख ली मिल्टेफोसिन. फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्शन करते हैं थ्रू वेक्टर कंट्रोल. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वी हैव डिसाइडेड कि DDT को वी हैव रिप्लेस विद सिंथेटिक पायराथायरॉइड. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फॉगिंग टू एलिमिनेट सैंड फ्लाई एज इंसेक्ट इज बिकमिंग रेजिस्टेंट टू DDT. तो इसमें भी रेजिस्टेंस आ चुकी है. देन कम्युनिकेशन फॉर बिहेवियरल इम्पैक्ट. ठीक है, अगेन आर BCC एंड इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस. कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, इवेल्युएशन. तो सब में यही पॉइंट्स बार बार वैसे ही आ रहा है. And research guidelines for prevention and control of Kala Azar has been developed and circulated to the states. Then we have active search case search. तो इसमें क्या होता है, एक साल में एक बार. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, साल में एक बार वी वर यूज टू सर्च ऑल द केसेस, घर घर जाके वी यूज टू कंडक्ट सर्वे. नाउ इट हैज़ कम टू द क्वार्टरली. ठीक है, नाउ इट हैज़ कम टू अगेन fortnight. सो वी हैव समथिंग दैट इज़ नोन एज काला आजार fortnight. ठीक है, तो एक महीने में मतलब क्या करेंगे, एक fortnight में वील हैव आर दिस एक्टिव केस सर्च एंड दिस इज़ बाई योर पेरिफेरल हेल्थ वर्कर. सो वो घर घर जाके दिल सी कि किस किस को केस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब एक्चुअली में काला आजार है. ठीक है, एंड उसको किसको उसकी कॉम्प्लिकेशन है. PKLD क्या होता है, PKDL सॉरी. सो इट इज़ योर पोस्ट काला आजार लीशमेनियासिस. ठीक है, टू ट्रीटमेंट सेंटर्स फॉर डेफिनेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो अगर किसी को काला आजार है या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो रखी है, काला आजार ठीक हो गया, ही इज़ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशंस आ गए, सो यू हैव टू रेफर हिम फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ठीक है, इंसेंटिव कितना मिलता है आशा को, 300 रुपये मिलते हैं फॉर ईच केस ऑफ काला आजार एंड 100 रुपये की देर इज़ अ इंश्योरिंग वन राउंड कि एटलीस्ट वो एक बार जा रही है. ठीक है, घर घर पे. ठीक है, एंड 200 रुपये इफ़ शी इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर राउंड, पहला तो सर्वे के लिए, दूसरा फॉर इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग. इवन पेशेंट जो ट्रीट हो जाता है अच्छे से, उसको 500 रुपये मिलते हैं फॉर द वेज ही लॉस ड्यू टू टाइम ही स्पेंड इन द हॉस्पिटल. और अगर उसको PKLD है, ठीक है, या फिर काला आजार का ट्रीटमेंट है मतलब कि ड्यूरिंग हॉस्पिटल से अगर PKLD है, सो उसको 2,000 रुपये मिलते हैं. ठीक है, द न्यू स्ट्रैटेजीज वी हैव अगेन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें ICMR देती है, सिंगल डोज लाइपोसोमल एम्फेरोटेरिसिन बी हम देते हैं इंट्रावीनसली. इट हैज़ टू रिड्यूस द ह्यूमन रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन. WHO सप्लाई दीज ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, देन वी हैव जापानीज एनसेफेलाइटिस. इसमें हाई मोर्टेलिटी रेट होती है और जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं उनमें सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सो वी हैव आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला. यू कैन सी दे हैव साउथ स्टेट्स. वी कैन ऑल्सो हैव वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र. ठीक है, मणिपुर, हरियाणा, इन सब में ही मिलता है. ठीक है, सो जापानीज एनसेफेलाइटिस में अगेन वी हैव टू स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस थ्रू आर सेंटिनल साइट्स एंड टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स. ठीक है,
एंड हम क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, केस मैनेजमेंट, IVM डालेंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन, लार्वी वोरस फिशेज यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, BCC, ठीक है। अब JEE बाकी सबसे क्यों डिफरेंट है, बाकी सब में तो वी आर डूइंग इंडोर स्प्रेइंग ना, JEE में वी डू आउटडोर स्प्रेइंग, ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड नीड बेस्ड असिस्टेंस टू द स्टेट, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से मिलेगी, इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सोशल मोबिलाइजेशन, कि लोग इसके बारे में और जागरूक बने और हमारे जितने भी इंटरवेंशन हैं उनको एक्सेप्ट करें। देर इज़ नो स्पेसिफिक क्योर फॉर द डिजीज़, ठीक है। अर्ली केस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द रिस्क, क्योंकि हमने देखा था कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इट इज़ वेरी फेटल। सो वी गिव JEE वैक्सीन टू 1 to 15 ईयर्स ऑफ एज, जितने भी बच्चे होते हैं, एंड उन्हीं एरियाज़ में जनरली मिलते हैं जो बहुत ही हाईली एंडेमिक है, जितने भी ऊपर वाली एरियाज थे, ठीक है। देन हेल्थ एडुकेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉर द कम्युनिटी इज क्रूशियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, वी कीप द पिग्स अवे फ्रॉम द ह्यूमन ड्वेलिंग्स, ठीक है, और या फिर जब रात हो जाती है, फ्रॉम डस्क टू डॉन, ठीक है, तब भी हम उनको दूर रखते हैं, क्योंकि दिस इज़ द बाइटिंग टाइम ऑफ द वेक्टर मस्कीटोज, ठीक है। यू हैव टू यूज़ क्लोज, फुली बॉडी कवर्ड होनी चाहिए टू अवॉइड बाइट्स, ठीक है। बेड नेट्स यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, सिंस अर्ली रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड केसेज, सो पीपल शुड बी नोइंग कि कितने साइंस एंड सिम्टम्स हैं एंड कब यू हैव टू गो टू द हेल्थ फैसिलिटी। स्टेट्स आर एडवाइज टू यूज़ मैलाथायन फॉर आउटडोर फॉगिंग, ठीक है, एज एन आउटब्रेक कंट्रोल मेजर, एपिडेमोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेल्थ अथॉरिटीज़। हेल्थ अथॉरिटीज़ खुद मतलब सर्वेल करके बताती है कि हमें कितनी ज़रूरत है, हमें क्या क्या चाहिए, और फिर हिसाब से नीड के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द असिस्टेंस, ठीक है। देन वी हैव डेंगू और द हिमरेजिक डेंगू, डेंगू हिमरेजिक फीवर, तो 1996 में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ दिल्ली में आउटब्रेक हो गया था डेंगू का, तो इसको कभी कभार MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज देयर, तो उन्होंने किया कि वी प्रोवाइडेड विद अ कॉन्टेजेंसी प्लान, सो अगर कहीं भी अगर एपिडेमिक हो डेंगू का, सो विल प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला क्या है, हम इसको